मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में क्या कुछ खास रहेगा बताते हैं आपको विस्तार से। सुबह लगभग 10 बजे सीएम का नैनीताल पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां सीएम नैनी झील संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम मल्लीताल चिकित्सालय पहुंचेंगे, यहां नवाचार योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सीएम का प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी नैनीताल भी जाएंगे, यहां जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। तो सीएम रावत का आज नैनीताल दौरा है और इस दौरे में क्या कार्यक्रम रहेगा विस्तार से जानेंगे आगे मेरे सहयोगी से भी। बने रहिए हमारे साथ। क्या कुछ मुख्य केंद्र बिंदु है इस दौरे के वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सीएम नैनी झील संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण करेंगे। मल्लीताल चिकित्सालय भी जाएंगे, नवाचार योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी नैनीताल भी जाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहां क्या कुछ खास रहेगा, यहां पर जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सीएम रावत का ये नैनीताल दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी मीडिया संवाददाता रामानुज जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। रामानुज जरा विस्तार से बताइए पूरी खबर, जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज नैनीताल दौरा है और जो चर्चा हो रही है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित लेक मॉनिटरिंग सिस्टम की, इसमें की क्या क्या खास बातें हैं? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। काफी लंबे समय से इस बात की मांग चल रही थी कि इस तरह से नैनी झील का पुनरुद्धार किया जा सकता है और उस कड़ी में आज का दौरा बहुत ही अहम है। और चूंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, आपने देखा कि पिछले दो दिनों से अभी पिथौरागढ़ बागेश्वर जैसे जो क्षेत्र हैं दूरस्थ क्षेत्र, वहाँ का भ्रमण किया था, उसी कड़ी में फिलहाल आज का ये भ्रमण नैनीताल का है और देश विदेश के भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। किस तरह से नैनी झील को बचाया जा सकता है, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उस कड़ी में आज का ये लोकार्पण का कार्यक्रम है। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने खुद कल इस बात को कहा है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर कैसे पहुंच रही हैं और उसका किस तरह से संचालन हो रहा, कैसे लागू हो रही, वो खुद देखना चाहते हैं और इसी तरह से वो फिलहाल हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करेंगे और मरीजों से भी मिल सकते हैं कि आखिर में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है, सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है, ये भी देखना है। और जो नैनीताल की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है वहाँ भी मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम है। तो ये सबसे तीन बिंदु हैं महत्वपूर्ण जहाँ पर मुख्यमंत्री खुद जाएंगे और बार बार एक बात उन्होंने दोहराई है कि अब आने वाले दिनों में वो गांव का भी भ्रमण करेंगे, गांव के लोगों से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है और वो गांव में जा कर के देखना चाहते हैं कि सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर कहां तक पहुंची हैं, किस तरह से इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, कहां कमियां हैं उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। और इसी तरह से प्रदेश के सभी 13 जिला मुख्यालयों का भी भ्रमण करने का कार्यक्रम है। तो लगातार मुख्यमंत्री खुद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अलग अलग क्षेत्रों का जहां भ्रमण कर रहे हैं वहीं करोड़ों की योजनाएं, चाहे उनका लोकार्पण है या फिर उनका शिलान्यास है, उसको भी किया जा रहा है। तो आज का ये दौरा नैनीताल का, नैनीताल वासियों के साथ प्रदेशवासी और जो सैलानी है, जो सरोवर नगरी नैनीताल आना चाहते हैं, जो झील है, झील की जो खूबसूरती, नैसर्गिक खूबसूरती है, उसको किस तरह से आगे बचाया जा सकता है, उस दिशा में सरकार बेहद कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आज करने जा रही है।